ओके सो पिछली वीडियो का रिस्पांस देखते हुए आज हम फिर से लाए हैं हमारी ट्राइंग गेम सीरीज का अनदर एपिसोड। सो आज भी हम कुछ वियर्ड और क्रिंज और फनी गेम्स प्ले स्टोर से डाउनलोड करके खेलने या ट्राई करने वाले हैं। भाई बहुत टाइम लगा इन गेम्स को ढूंढने में, तो बिना देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड दिस बकचोद से भरपूर वीडियो। नंबर 1 पे हम लेंगे किक द बडी। सो ओके गाइस, यहां पर मैंने किक द बडी खोल लिया। तुमने ये गेम शायद से बचपन में यूट्यूब वगैरह पे देखा हो या तुमने खेला भी होगा। इसमें जो बंदा तुमको सामने दिख रहा है, इसके भी बहुत बुरी तरीके से भूंड मारनी होती है, मतलब इसको मारना होता है। ऑल्दो मैं फनी गेम तो नहीं कहूंगा बट क्रिंज गेम जरूर कहूंगा, क्योंकि ये बंदा जब पिलता है तो ऐसी आंड वाण सी आवाज़ें निकालेगा ना भाई, कसम से मन करता है इसके पड़ी थप्पड़ मारो। तुम देख सकते हो बुरी तरीके से तुम्हारे भाई ने थप्पड़ मार दिया। हमने पहली बार इसको मार दिया, ऊपर फर्स्ट ब्लड लिखा आ गया। अब हमको यहाँ पर 200 यहाँ पर बक्स मिले हैं। तो भाई यार ये तो सिर्फ ट्रेलर है, तुम देखो ना कितना बुरी तरीके से हम इसको मारेंगे। मतलब ये तो हमने सिर्फ ऐसे भी हाथ वगैरह से मारे, बाद में हम इसको गन वगैरह से मारेंगे, ग्रेनेड वगैरह से। जैसे कि तुम स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पर इतनी सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर तुम्हारे भाई ने एक पिस्तौल ले लिया, तो फटाफट से इसको पिस्तौल से इसकी भुंड मारते बुरी तरीके से। तो पहले मैं हाथ वगैरह से मारता, तुम देखते हो ऐसे पिस्तौल आएगी। तो भाई तुम लोग जाओ यार एक बार। Meanwhile, ले तेरी बैस की डिस्काउंट। भाई बोले मेरे पास 4-5 गोली इसके एक साथ चला जाओ, तुम देख सकते हो मरने वाला है भाई, मर गिर रहा है और भाई मर चुका है। क्यों, किस लिए, कैसे? सो हमने इसको हाथ वगैरह से और गन वगैरह से तो मार लिया। यहाँ पर मैं कोई और यहाँ पर इक्विपमेंट ढूंढ रहा था जो इससे अच्छा मिल पाए और हमको उससे हम इसे मार पाए सिंपली। तो यहाँ मुझे मिला ये ग्रेनेड। अब मैं एक्सप्लोसिव में गया और मुझे यहाँ पर F1 ग्रेनेड मिला, तो इससे इसको मारेंगे। ग्रेनेड से भी काफी ज्यादा मजा आता है सिंपली, हम उसके ऊपर ऐसे फेंक रहे जैसे कि तुम देख सकते हो। और भाई देख सकते हो उड़ना चालू हो गया। तुमको इतना ना मजा नहीं आ रहा, बट तुम इस गेम को खेलोगे ना डेफिनेटली जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना इसकी घुंड मारने में भाई कसम से मजा ही आ जाता है कतई केड़ा वाला। तो तुमसे तो रेटेड का ऑप्शन है, तुम अपनी गांड मरवाओ, हमको रेट नहीं करना, हमको वैसे ही ट्राई करना है वैसे ही। भाई लिटरली मैंने इसमें 15-20 ग्रेनेड फेंके होंगे, बट ये बंदा तक फटा नहीं है। ले भाई तेरी भैंस की, मैंने एक साथ 25-30 ग्रेनेड फेंक दिए। सो तुम जैसा कि देख सकते हो मैं बिल्कुल यहाँ पर पाकिस्तानी बना पड़ा, यहाँ पर बमी बम फेंके जा रहा हूँ। तुमसे तो फाइनली जाके ये मर चुका है। ओके गाइस, अब बारी है इसको लैंड माइन से मारने की। पहले इसको हमने F1 ग्रेनेड से मारा था, तो यहाँ पर फटाफट से लैंड माइन बिछा देता हूँ सारी जगह, जिससे आराम से मर जाएगा। और यहाँ पर तुम सोच रहे होंगे यहाँ पर इसके ऊपर ये मुंह पे क्या बना पड़ा था, और मैंने इसके ऊपर स्प्रे फेंका था जिसकी वजह से इसका मुंह हरा हरा हो गया। लेकिन हमको उससे मतलब नहीं, हमको सिंपली इसको मारना है यहाँ पे। भाई वैसे इसकी भी अलग ही बात है, कोई बुंड मारता रहता है और तुम देखते हो यहाँ पर मर चुका है। उत्तरी भैंस की भाई, मुझे लगा सीरियस में हम गन या फिर एक्सप्लोसिव वगैरह या फिर थोड़ी बहुत चीजें ही है, लेकिन हमारे पास एनिमल्स भी है, मैं इसको एनिमल से भी पिटवा सकते हैं। पर शार्क वगैरह इतने तो मेरे पास बक्स नहीं है, बट यहाँ पर हमको एक बी मिली, मतलब मधुमक्खी मिली, उससे इसको पिटवाते हैं बहुत बुरी तरीके से। तुम देख सकते हो आते इसकी आंख में छेद कर दिए काट काट के। भाई इसका तो रंग भी शहद जैसा है, तो उसके तरह चिपटेगी ना सारी मधुमक्खी। तो लो भाई फटाफट, मैंने यहाँ पर मैं नहीं कर रहा यार, देखो ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, तुम सोच रहे हो ना इधर उधर जा रहा है, मधुमक्खियां कर रही है इसको। One eternity later. और भाई तुम इसका मुंह देखो यार, फाइनली मर चुका है। नंबर 2 पे हम लेंगे ये डियर सिमुलेटर मॉडर्न वर्ल्ड। तो ओके गाइस, नंबर 2 पे हम ट्राई करने वाले हैं डियर सिमुलेटर, DEER, मतलब इसमें 4 ही है यार। मेरे हिसाब से गोट सिमुलेटर नाम का गेम जो मैंने टेक्नो गेमर्स भाई की वीडियो देखी थी, तो ऐसे ही डियर सिमुलेटर ये भी तुमने यूट्यूब वगैरह पे कहीं ना कहीं तो देखा होगा, बट हमको उससे मतलब नहीं, हमको यहाँ पर इसको ट्राई करना है। ओके गाइस, जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पर मैंने गेम को खोला और यहाँ पर हमें घिर रहना है सिंपली। एंड गेम में फनी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें लॉजिक नहीं है कुछ भी। देख सकते हो तुम इसको एकदम से यहाँ पर दबा रहे हो, देखो ये तो नॉर्मल है लेकिन भाग रही। अब यहाँ पर मैं साइड वाला जो बटन है ना उसको दबाऊंगा, तुम देखना क्या होगा, यहाँ पर ये अपना भी चलने लग जाएगी, पते अंडरटेकर बन के भागने लग जाएगी। आइए देखते हैं बैठचन मजाया। भाई तुम देखो यार, मैंने इसकी गर्दन पकड़ के इसको इस तरफ ले गया। बेटा शेर बुला दूंगा, इन्होंने तेरी बुंड मार लेगा बुरी तरीके से। साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे क्या? भाई जैसा कि तुम देख सकते हो हमारे सल्लू भाई की तरह भाग रही है, यहाँ पर सारी गाड़ी वगैरह तोड़ रही है फटाफट। तुम देख सकते हो मैं इसको दबाए जा रहा हूँ और फुल स्पीड में भागे जा रही है। और यहाँ पर साइड में एक पीली नैनो खड़ी है, इसको भी मैं तोड़ ताड़ के यहाँ पर भागे जा रहा हूँ, सिर्फ भागे ही जा रहा हूँ। यहाँ पर एक ट्रैक आ गया, यहाँ से पहले मैं उछलने की थोड़ी बहुत कोशिश करूंगा। तुम देख सकते हो मुक्के वगैरह भी मारती है भाई। ओ भाई कितनी बड़ी जंप मारी तुम्हारे भाई ने अभी। ले तेरी भैंस की अधीरा हो भाई, सारी दुनिया तबाह कर दूंगा। Meanwhile भाई ये किसकी चौड़ में चल रहे हो भाई, देखो देखो सामने तुम देख सकते हो यहाँ पर बंदा है, इसको मैं मार रहा हूँ लेकिन इसके लग ही नहीं रहा है। तुम देख सकते हो भाई 25.5 घंटे हो चुके हैं इस बंदे को जब से मारने की कोशिश करते जा रहे हो, पर इसके घंटा कुछ नहीं लग रहा, बस यहाँ पर मैं बार बार उछलता रहता हूँ और इसके लगता तो है ही नहीं। तो इसकी बहस किया गया पर हम और मजे करते हैं। तुम देख सकते हो यहाँ पर मैं पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये सुपर जंप है इस गोट के पास, गोट कहकर डियर के पास। ओ भाई हम पेड़ पर चढ़ चुके हैं। Meanwhile, तो भाई ढिंचक पूजा वाला स्कूटर, दिलों का स्कूटर है मेरा स्कूटर, जो भी गाना था वो सिंपली हम वो वाला स्कूटर लेके ऐसे चल दिया। और तुम देख सकते हो मैं स्कूटर पे बैठा हुआ हूँ। हाँ भाई पहले ऐड आ जाओ, कोई नहीं मैं तो पागल हूँ पर गेम खेल रहा हूँ, तुम ऐड ले आओ पहले। चोर क्यों, किस लिए, कैसे, ऐसा नहीं हो सकता। सो गाइस, अभी अभी मुझे यहाँ पर एक बक्सा मिला है, तो तुम देख सकते हो इसको यहाँ पर अनलॉक करते हो। हमारा हमारी AK-47 गन हमें यहाँ पर मिल चुके, तो इससे ज्यादा और ज्यादा हम तबाही करने वाले हैं। ए मिस्टर हैंड्स, अब तुम देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास गन है, लेकिन यार ये ऐसे बैठ जाता है ना जब भी गन चला। तो उत्तरी भैंस की भाई हमको ट्रेन ठोक के चली गई। एक मिनट भाई, अब तो इस ट्रेन को ना जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, इस ट्रेन को ट्रैक से निकाल के रहूंगा। ट्रेन है मेट्रो है मेरे को नहीं पता। मैं इस दुनिया का राजा हूं,
मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। तो भाई तुम्हारे भाई ने सल्लू भाई वाला मूड एक्टिवेट कर लिया और इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे भाई। तुम देख सकते हो मैं पूरी स्पीड में भाग रहा हूँ, बीच बीच में जंप भी मारूंगा, लेकिन हम फिलहाल इसके पास पहुंच ही गए। तो क्यों जम्मा नहीं ले तेरी भैंस की, एक बार उसको हमको इस पर चढ़ना है बस, और कुछ नहीं है। ओ भाई गई तो गाइस यही थी वीडियो। अब आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी। मेक श्योर ऐसे मस्त और एंटरटेनिंग गेमिंग कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।